हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के बारे में बताना चाहूँगी। उससे पहले मैं ये बताऊँगी कि मैंने बीएचयू से बीए और एमए की पढ़ाई की है और मैंने फर्दर हायर स्टडी के लिए दिल्ली गई थी और वहाँ से मैंने एमफिल और पीएचडी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से किया है। तो हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि बीएचयू का जो अंडर ग्रेजुएट टेस्ट एग्जाम है, पर्टिकुलरली आर्ट्स, उसकी तैयारी कैसी की जाए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा है। तो यहाँ एग्जाम 2 घंटे का होता है और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। 2 घंटे का मतलब आपको 120 मिनट्स दिया जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होते हैं, यानी कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलता है, उससे भी कम। इसलिए आपको अपना स्पीड को मेंटेन करना है और जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 450 होते हैं और आपको एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। अगर आपसे एक माइनस मार्किंग हो जाता है तो आपके 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी कि आपके 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे आउट ऑफ 3 नंबर। अब आइए हम लोग इसके सिलेबस के बारे में देखें। तो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो बेसिकली 60 क्वेश्चन जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के होते हैं, 15 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी आर रीजनिंग से होते हैं और सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटीज से होते हैं। इसके अलावा 30 क्वेश्चन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से होते हैं। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में आपको 2 ऑप्शन दिया जाता है, इधर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली ग्रामर से होते हैं और 12th स्टैंडर्ड का होता है, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, ब्रशअप करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। आइए हम लोग सीट्स की संख्या के ऊपर थोड़ा फोकस डालते हैं कि क्या सीट्स का पैटर्न है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आप बीएचयू मेन कैंपस जो कि मेल फीमेल के लिए है, 765 सीट्स हैं। महिला महाविद्यालय दैट इज ओनली फॉर फीमेल, वहाँ पे 286 सीट्स हैं। आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो कि फीमेल के लिए है, वहाँ 383 सीट्स हैं। बसंत कन्या महिला महाविद्यालय में फीमेल के लिए 286 हैं। उसके अलावा बसंत कन्या फॉर वुमेन्स में 412 सीट्स हैं और जो डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है वहाँ मेल फीमेल दोनों के लिए 309 सीट्स हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बताई कि 60 क्वेश्चंस आपका जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स से होता है। उस 60 क्वेश्चंस में आप क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखेंगे तो 20 से 25 क्वेश्चंस ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। तो अगर आप ज्योग्राफी का प्रिपरेशन ठीक से कर लेते हैं तो आपको आसानी से 60 to 75 मार्क्स मिल जाएंगे, जिस जो कि आपको सिलेक्शन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी के ऊपर फोकस करें, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी में ही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, इसलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स बताना चाहूँगी। जो ज्योग्राफी के सिलेबस है वो बेसिकली 5 सेक्शंस को कवर करते हैं। पहला होगा क्वेश्चंस का सेक्शन अर्थ एंड सोलर सिस्टम, दूसरा होगा वेदर एंड क्लाइमेट, तीसरा नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, चौथा होगा प्रोडक्शन ऑफ फूड्स एंड इंडस्ट्रीज, और पांचवा होगा पॉपुलेशन स्टडीज, जो इंडिया और वर्ल्ड दोनों से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अर्थ एंड सोलर सिस्टम में क्या हम लोग पढ़ेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ओरिजिन ऑफ अर्थ इवन इंक्लूडिंग यूनिवर्स एंड देन गैलेक्सी एंड आफ्टर दैट आवर सोलर सिस्टम एंड द अर्थ का क्या थ्योरीज है, अभी तक किन लोगों ने क्या थ्योरीज दी। तो पूरी सारे थ्योरीज को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला पार्ट होगा आपका अर्ली थ्योरीज और दूसरा होगा मॉडर्न थ्योरीज। अर्ली थ्योरीज में जो पहली थ्योरी है वो इमैनुअल कांट ने दिया था और ये एक जर्मन फिलोसोफर थे। इनकी थ्योरी का नाम गैसियस हाइपोथेसिस है और इन्होंने इसे 1755 में प्रपोज किया था। अब मैं अगली थ्योरी बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे 4 चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये इमैनुअल कांट किस कंट्री से थे, कौन सी थ्योरी दी और वो थ्योरी उन्होंने कब दी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। द नेक्स्ट थ्योरी जो है वो फ्रेंच मैथमेटिशियन लैपलास ने दिया, इस थ्योरी का नाम नेबुलर हाइपोथेसिस है और इस थ्योरी को उन्होंने 1796 में दिया था। और नेक्स्ट थ्योरी अमेरिकन जियोलॉजिस्ट टीसी चेंबरलिन का, जिन्होंने ये थ्योरी
1900 में दिया था और थ्योरी का नाम प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट थ्योरी है ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स जिन्स का, इसके थ्योरी का नाम है टाइडल हाइपोथेसिस, जो उन्होंने 1919 में दिया था। अब नेक्स्ट आपका है ब्रिटिश साइंटिस्ट होराल्ड जेफरी की थ्योरी, इस थ्योरी का नाम है कोलिजन हाइपोथेसिस, जो उन्होंने 1929 में दिया था। अगली थ्योरी है अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एच एन रसेल की, जिसको उन्होंने बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस के नाम से डिस्कस किया है और थ्योरी का डेट है 1937। नेक्स्ट थ्योरी है ब्रिटिश मैथमेटिशियन एफ हॉयल का, इस थ्योरी का नाम है सुपरनोवा हाइपोथेसिस, जो काफ़ी फेमस हुई थी और ये थ्योरी 1946 में आई थी। अगली थ्योरी है रशियन साइंटिस्ट ओटो स्मिट का, जिस थ्योरी का नाम है इंटरस्टॉलर हाइपोथेसिस, जिनको उन्होंने 1943 में दिया था। जो मॉडर्न थ्योरीज है वो थ्योरीज का कंसेप्ट एक बेल्जियम के प्राइस जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था और ये कंसेप्ट उन्होंने 1947 में प्रपोज्ड किया था और इस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। ये लेटेस्ट और मॉडर्न थ्योरी है जो यूनिवर्स के ओरिजिन के कॉज के बारे में डिस्कस करता है। उसके बाद ये आपका गैलेक्सी, देन आप हमारा सोलर सिस्टम के बारे में भी बहुत कुछ बताता है, जो कि मान्य है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल थ्योरी है ये। इस थ्योरी का दूसरा नाम भी है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। तो आइए हम लोग इस थ्योरी के बारे में कुछ फैक्ट्स जानें। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, तो बिग बैंग जो इवेंट है जिसे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, वो अभी से 13.7 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ था और गैलेक्सी भी फॉर्म्ड हुआ। और गैलेक्सी का मतलब ये होता है कि आपको जानना जरूरी है कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है। बेसिकली इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। अब आइए हम लोग कुछ और वर्ड के बारे में जाने जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा इससे। नेक्स्ट है नेम्बुला, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं नेम्बुला हाइपोथेसिस, तो ये जानना जरूरी है कि नेम्बुला का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाई नेम्बुला। तो ये बेसिकली ये वेरी लार्ज क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन गैस के क्लाउड होते हैं। इसी थ्योरी से पता चलता है कि स्टार का फॉर्मेशन अभी से 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्टार का फॉर्मेशन का टाइम क्या है। फिर एक और कंसेप्ट है लाइट ईयर का, यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि लाइट ईयर से बेसिकली डिस्टेंस मेजर किया जाता है, न कि टाइम। और आप जानते हैं कि जो स्पीड है लाइट का वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, और लाइट ईयर का मतलब होता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वन ईयर। वन लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 × 10^12। तो अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उससे आइए हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखते हैं तो ऐसा पाया गया है कि 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नेम्बुलर हाइपोथेसिस वर प्रपोज्ड बाय होम। तो जैसा कि ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कि इसका जवाब लैपलास है। अगेन इसी सेक्शन से 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था हु प्रपोज्ड बिग बैंग थ्योरी, इसका भी आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। हमने ऊपर के स्लाइड्स में आपको डिस्कस किया है, ये जॉर्ज लेमेंटर हैं, तो आपका जवाब होगा जॉर्ज लेमेंटर। सो थैंक यू। हमारा नेक्स्ट जो वीडियोज होगा वो बेसिकली सोलर सिस्टम के बारे में होगा और हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, क्योंकि सोलर सिस्टम से भी बहुत कुछ क्वेश्चन BHU एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच।